आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिलौर में मनी चेंजर की दुकान पर हुई लूट की नाकाम कोशिश, लोगों ने दो लुटेरों को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। फिलौर के नूरमहल रोड पर स्थित एक मनी चेंजर की दुकान पर दो नौजवानों द्वारा लूट की नाकाम कोशिश करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त लुटेरों ने दुकान में आकर दुकान मालिक से पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की होशियारी के चलते उक्त लुटेरे अपनी कोशिश में नाकाम रहे। घटना के दौरान एक लुटेरे ने पिस्तौल से गोली चला दी, जो कि उसके दूसरे साथी लुटेरे को जा लगी, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। घटना के बाद लुटेरों ने भागने की कोशिश की, मगर लोगों उन्हें काबू कर लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस लंबे समय तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिस पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ समय पश्चात जब डीएसपी फिलौर सरदार परमिंदर सिंह हीर व एसएचओ हरिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे, तो उनके द्वारा दोनों लुटेरों को काबू कर अपने साथ ले जाया गया, जिसके पश्चात एसपी देहाती हरकमलप्रीत सिंह खख ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुकान मालिक हरमनदीप से घटना की जानकारी हासिल की और घायल लुटेरे को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, मगर लुटेरे की हालत नाजुक देखते हुए उसे जलंधर के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर आरोपी का इलाज किया जा रहा है। जो रौली पई है लोगों ने पिछा किया, पिछा करने तो बाद नौकर कोठिया के उत्ते जो पुलिस ने 100 नंबर से फोन किया, 100 नंबर वाली जवाब की फोन किया, मैडम की आवाज आई, मैडम ने कहा तवीज ना बोलो, पौना घंटा हो गया अत्तवादियों गोलियां चलन दियां, लोगों ने घेरिया, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा, पंजाब पुलिस का कोई बंदा नहीं आया, उस तो पौने घंटे बाद आया, उस बाद 100 नंबर वाली जी मैडम है वो गलत बोली है, उन्होंने तमीज नहीं आई। भाजी टू लेट बहुत ज्यादा यार, सैशन कोर्ट चो हूं मैं इतने मेरा भी एविडेंस से गया होया, मैं कोई गल नहीं मैं कर रहा, चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो थाना नंबर 6 की